प्यारे छात्रों अभिनंदन, मेरा नाम डॉक्टर कुमार पुनीत गोयल और हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड करियर स्मार्ट ट्रिक्स मेमोरी टेक्निक्स में आपका स्वागत है। सिंपली आप ए टू जेड करियर टाइप करके हमारे चैनल को देख सकते हैं यूट्यूब में और तुरंत जाके इसे सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो समय से मिल जाए। और इसकी हमारी जो आज की फोटो है जो मैंने यहाँ पे दी हुई है, आपने देखा होगा जो हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो होता है उसमें हम एक मेन फोटो थे, आपको डोरेमोन का फोटो दिख रहा है, पिकअप द कॉल आई एम स्ट्वीप। और ये टाइटल दे के कौन सी भारतीय सरकार की वेबसाइट को मंडे को हैक कर लिया गया था, तो आपको इसका नाम बताना है। लेकिन उससे पहले भूजो तो जाने का कल का प्रश्न, कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, एशियाई गेम्स 2018 में किसने भारत के लिए पहला सिल्वर मेडल 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में जीता था। इनका नाम है दीपक कुमार। दीपक ने सिल्वर मेडल में भारत का खाता खुलवाया था 10 मीटर एयर राइफल में एशियन गेम्स 2018 में। क्वेश्चन नंबर वन है, अब तक की सबसे बड़ी वॉर गेम एक्सरसाइज वोस्तोक 2018 जिसे हम ईस्ट 2018 के नाम से भी जानते हैं किस देश में हो रही है, और यह एक्सरसाइज रूस में की जा रही है वोस्तोक 2018। और मैं आपको बता दूं चाइना से भी बुलाया गया इस एक्सरसाइज के लिए और इसमें लगभग 3 लाख सैनिक हिस्सा ले रहे हैं और लगभग 1000 एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं और इससे बड़ी एक्सरसाइज कभी नहीं हुई है और अमेरिका ने इसका विरोध जताया है। और यहां पे जैसे रशिया का नाम आ रहा है तो मैं आपको रशिया के बारे में बता देता हूं। देखिए ये रशिया है, मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा, भारत के ऊपर चाइना, चाइना के ऊपर कजाकिस्तान, मंगोलिया और रशिया यहां पे है। ये अकेला देश है एशियन और यूरोपियन दो कॉन्टिनेंट में आता है। यहां के जो राष्ट्रपति है उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, कैपिटल है मास्को, करेंसी है रूबल। ये प्रश्न आप साथ साथ लिख लिया करें, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं आपको, जो हमारी टेक्निक है SLRW स्पीकिंग लिसनिंग रीडिंग राइटिंग, एक आप रजिस्टर बना लीजिए, उनमें इन सब क्वेश्चंस को लिखने की आदत आज से बना लीजिए। देखिए ये वीडियो आप नाश्ता खाते हुए भी देख सकते हैं और मैं आपको बता दूं आप जब भी ये वीडियो देखें तो आपके पास एक्स्ट्रा समय हो तब आप इस वीडियो को देख लें, जरूरी नहीं आप वीडियो देखने के लिए समय निकालें। सुबह जब हम नाश्ता करते हैं तो हमें 10 से 15 मिनट लग जाती है, तब आप अपने कान में लीड लगा के मोबाइल से इस वीडियो को देख सकते हैं। जैसे कि हम समाचार सुनते हैं तो याद आप डाल लीजिए, जैसे हम लोग तो क्या करते थे उस समय, दूरदर्शन के समाचार सुना करते थे या विविध भारती के समाचार सुना करते थे, और आजकल ये जमाना YouTube का आ गया है तो थैंक्स फॉर YouTube कि आपको ये सारी न्यूज सुबह ही मिल जाती है। तो मैं आपको दोबारा बता देता हूं, स्पीकिंग लिसनिंग रीडिंग राइटिंग टेक्निक है जिसके अनुसार आप 200% मेमोरी को बढ़ा सकते हैं, आपकी मेमोरी डबल हो जाती है अगर आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। और आप ये देखेंगे कुछ ही दिन में लिखने से आपकी मेमोरी बढ़ने लगी है और आपको क्वेश्चन भी याद रहने लगे। और मैं आपको बता दूं कि मैं देख रहा था, ऑब्जर्वेशन कर रहा था कि आप लोग मेरी वीडियो को शेयर जरूर करें क्योंकि शेयर करने से ज्यादा ज्ञान बढ़ता है, आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी और आप देखेंगे कंपैरेटिवली किसी भी यूट्यूब के चैनल से तो आपको इसमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती है और इसमें SLRW टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात आपको कोई भी वीडियो चैनल नहीं बताएगा क्योंकि हम लोग केवल और केवल अकेला चैनल है जो बिल्कुल फ्री आपको सलाह देता है, ना कोई PDF बेचते हैं हम लोग, ना ही हम आपको किसी कोचिंग के पैसे लेते हैं, दैट इज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं कि ये वीडियो देख के आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है आज का, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्वामी विवेकानंद की शिकागो स्पीच की कौन सी भी सालगिरह पर वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिस से संबोधित किया है, और यह किया है 125वीं एनिवर्सरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और यह आपको मैं बता भी चुका हूं शिकागो अमेरिका में हो रहा है और इसे RSS के चीफ ने इनोग्रेट किया था, यह मैं आपको पिछली वीडियो में क्वेश्चन बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, नेपाल ने हाल ही में ज्वाइंट बिम्स्टेक मिलिट्री ड्रिल पुणे में हिस्सा लेने से मना कर दिया था, लेकिन इसके तुरंत बाद इसने ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल किस देश के साथ करने की घोषणा की है, और यह भारत के लिए खतरे की बात है और भारत इसका विरोध जता रहा है, और ये इन्होंने चाइना के साथ की है कि नेपाल अब चाइना के साथ ड्रिल एक्सरसाइज करेगा, बिम्स्टेक में इन्होंने मना कर दिया था। अब देखिए यहां पे जैसे चाइना की बात आ रही है तो मैं आपको चाइना के बारे में बता देता हूं, चाइना के प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग और चाइना के प्राइम मिनिस्टर है ली क्यूआंग और चाइना की कैपिटल है बीजिंग और चाइना की जो करेंसी है वो रेनमिनबी है
और मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, चाइना की जो मदर टंग है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो है मंदारिन, और मंदारिन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, क्योंकि चाइना की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है तो सबसे ज्यादा लोग मंदारिन ही बोलते हैं, इंग्लिश नहीं बोलते, मंदारिन सबसे ज्यादा बोली जाती है। तो ये प्रश्न आप नोट करते चले जाइएगा, राइटिंग करते चले जाइएगा, पोस्ट करके आप इन क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, और ये इतने विजिबल फॉर्म में हमने दिए, आपको इन्हें लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। भारत सरकार के किस संस्थान ने इंटेल और टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान TIFR के साथ परिवर्तनीय AI के लिए आदर्श अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने के लिए सहयोग किया है? ये नीति आयोग ने सहयोग लिया है इंटेल और टाटा का, और मैं आपको जैसे नीति आयोग का नाम आया, ये डिजिटलाइजेशन के लिए इन्होंने ये सहयोग किया है। अब नीति आयोग में नीति की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं, कई कई बार मैं आपको बता चुका हूं, और अब तक ये शायद आपको याद जाने चाहिए, और आप मेरे साथ इनको बोलते चले जाइए, और लिखना चाहते हैं तो दोबारा लिख सकते हैं। जो भी छात्र हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, रोजाना 50 स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़ जाते हैं, तो उनका वेलकम है। एंड और आप सब सब्सक्राइबर की वजह से ही हमारा चैनल है, आप हमारी वीडियो पसंद करते हैं तभी हम आपको वीडियो दे पाते हैं। तो नीति NITI की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में से बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसने योजना आयोग का स्थान लिया है। जैसे आपको ध्यान होगा पंचवर्षीय योजनाएं थी, उसकी जगह इसने स्थान लिया नीति आयोग ने। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई, बीजेपी की गवर्नमेंट ने यह स्थापना की थी। इसका हेड ऑफिस मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, चेयरपर्सन जो इन्हें बोलते हैं, वो नरेंद्र मोदी, हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। जो इसके उपाध्यक्ष हैं वो राजीव कुमार हैं, ये इकोनॉमिस्ट हैं, और जो इसके CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो अमिताभ कांत हैं, और मेक इंडिया इनिशिएटिव भी नीति आयोग का ही चलाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है 2018 की करंट अफेयर्स की क्विज का, सबसे पहले न्यूज आपको मिलती है, पूरे परिवार के लिए न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, और 10 से 15 मिनट की न्यूज आप आराम से देख सकते हैं, जब भी आप काम पे जा रहे हैं, कोचिंग पे जा रहे हैं, आप मेट्रो ट्रेन में बस में बैठ के इसे आराम से सुन सकते हैं। मेरा ये बिल्कुल कहना नहीं कि आप सुबह इसके लिए टाइम लगाएं, बिल्कुल भी, आपके पास जो भी समय बचे मॉर्निंग में 6 से 9 के बीच एक टारगेट बना ले कि आपको ये देखनी है, और ये उस समय देखनी है जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो, इसके लिए कोई टाइम नहीं लगाना है आपको, ये मेरी बात ध्यान रखिएगा। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड यू हैव टू डू द डुअल वर्क, आप दो कार्य एक साथ कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य ने CRPC में अग्रिम जमानत को फिर से शुरू करने के लिए सितंबर 2018 में एक बिल पारित किया है, और यह किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक हैं, उन्होंने राज्य विधानमंडल से पारित दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2018 को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा है। आपको मैं ये बता दूं, यहां पे आप ध्यान रखिएगा, जब भी कोई विधानमंडल कोई कानून पास करता है तो उसे राष्ट्रपति के पास पास होने के लिए भेजा जाता है, और उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, ये आपको पता ही है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस एयरपोर्ट पर भारत में पहली बार बायोमेट्रिक बोर्डिंग, यानी कि आपकी पहचान आपके चेहरे से होगी, बायोमेट्रिक बोर्डिंग पहचान से सुनिश्चित करने की सुविधा आरंभ करने की घोषणा की गई है? ये की गई है बेंगलोर कर्नाटका के एयरपोर्ट पर, ये पूरी तरह से पेपरलेस बनाने की कवायद से आरंभ किए गए फेस रिकॉग्निशन पहल के तहत यहाँ यात्रियों को बोर्डिंग पास दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल फेस रिकॉग्निशन होगा। ये देखिए कई विंडो बनाई हुई है, वहां पे आप जाके अपना फेस रिकॉग्निशन दे सकते हैं और बोर्डिंग पास की कोई जरूरत नहीं होगी। बेंगलोर में ऐसा पहली बार किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में किस मिनिस्ट्री के द्वारा तैयार पूरक पोषाहार नीति को मंजूरी दे दी गई? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सुझाव पर यह घोषणा की गई है, और मैं आपको बता दूं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जो मिनिस्टर है वो मेनका गांधी है, तो ये प्रश्न भी आप साथ साथ नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भेदभाव करने को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? मतलब ये जो बीमार लोग होते हैं, कुष्ठ रोग, ये हेपेटाइटिस है या HIV के लिए, किसके लिए किया गया है कि भेदभाव नहीं कर सकते? ये HIV/AIDS अधिनियम, जैसे इस अधिनियम में है कि आप जबरदस्ती किसी को इलाज नहीं दे सकते और उससे छुआछूत का या इस तरह का कोई बर्ताव नहीं कर सकते। HIV/AIDS अधिनियम 2017 हाल ही में सरकार ने लागू किया है।
क्वेश्चन नंबर 9 है, ओएनजीसी को हाल ही में किन दो राज्यों में तेल व गैस के भंडार प्राप्त हुए हैं? दो राज्यों के नाम बताने हैं, ये हैं मध्य प्रदेश और पश्चिमी बंगाल, यहाँ पे गैस के भंडार मिले हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, इसकी फुल फॉर्म है, ये आप नोट कर लीजिएगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। इस खोज में ओएनजीसी द्वारा देश में दो नए बेसिन ने काम प्रारंभ किया है और लगभग टोटल अब तक 26 बेसिन हो चुके हैं भारत में जहां पे ऑयल फील्ड मिले हैं या ऑयल तेल के कुएं मिले हैं। हल्के लड़ाकू विमान एलसीए तेजस जो पूरी तरह इंडिजिनसली मेड यानी पूरी तरह भारत में बना है, सितंबर 2018 को अभी इसका परीक्षण कितने फीट की ऊंचाई पर हवा में ईंधन भरने का किया गया, ये मैं आपको पिछली क्विज में बता चुका हूं, ये किया गया 20,000 फीट की ऊंचाई पे तेजस विमान में ईंधन भरा गया। इससे क्या होगा, ये हवा में ज्यादा समय तक रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया में हर कितने सेकंड में आत्महत्या के कारण एक शख्स की मौत हो जाती है? और मैंने आपको एक कल बताया भी था, कल की वीडियो में, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को मनाया जाता है और उसी की रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने बताया हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति पूरे विश्व में आत्महत्या कर लेता है। यह आत्महत्या 2016 के डाटा के आधार पर दी गई है जिसमें 15 से 29 साल के व्यक्तियों की मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण आत्महत्या माना गया है। तो यह प्रश्न आप ध्यान से देख लीजिएगा कि यह दूसरा सबसे बड़ा कारण है आत्महत्या। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए युद्ध क्षेत्र पर्यटन शुरू करने की योजना बनाई है? आप देख रहे होंगे कि सबसे ज्यादा जो युद्ध लड़े गए हैं किस बॉर्डर पर लड़े जाते हैं, राजस्थान बॉर्डर पर। तो राजस्थान सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए युद्ध क्षेत्र पर्यटन शुरू करने की योजना बना रहा है। पर्यटन का यह नया रूप युद्ध क्षेत्र पर्यटन अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में पहले से ही लोकप्रिय है और भारत ऐसा करने वाला तीसरा देश है। युद्ध क्षेत्र में पर्यटन के लिए भेजा करेंगे कि किस तरह से वॉर एक्सरसाइज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, डेली करंट अफेयर्स जो आपको देती हैं, सारे के सारे कॉम्पिटिशन की तैयारी, सारी की सारी न्यूज सबसे पहले, चाहे वो देसी न्यूज है, विदेशी न्यूज है, स्पोर्ट्स न्यूज है, इकोनॉमिक न्यूज है, सारी न्यूज हम इसमें आपको कवर करने की कोशिश करते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप के पेजों पर इसे शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन वीडियो का लाभ ले सके। भारत सरकार की कौन सी वेबसाइट हैक करके उस पर डोरेमोन कार्टून का फोटो हाल ही में डाल दिया गया? और यह यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट यूपीएससी जो आईएएस की एग्जाम लेती है, इसमें डोरेमोन की यह फोटो आ रही थी, बैकग्राउंड में डोरेमोन कार्टून चल रहा था, ऊपर टाइटल लिखा था डोरेमोन पिक अप द कॉल और नीचे बॉटम में लिखा था आई एम स्वीप्ड। बाद में कुछ ही घंटों में भारत सरकार ने इसको तुरंत हटा दिया था, तुरंत ठीक कर लिया था। और यहाँ पे क्योंकि बहुत ही समय कम होता है तो मैं ज्यादा आपकी देर में लगाते हुए आपको वन लाइनर क्वेश्चन कराता हूं। वन लाइनर का मतलब है तेजी से कुछ क्वेश्चन आपको बता देना जिसमें मैं ऑप्शन नहीं दूंगा ताकि आप जल्दी से इन क्वेश्चंस को लिख लें। 5 सितंबर 2018 को शिक्षक दिवस के दिन गुजरात के बड़ोदरा में बने देश के पहले राष्ट्रीय रेल और परिवहन विश्वविद्यालय ने काम करना शुरू किया। तो आप ये देख लीजिएगा, ये पहला विश्वविद्यालय है जहां पे दो ग्रेजुएट लेवल कोर्स शुरू किए गए हैं सबसे पहले, वडोदरा गुजरात में। और ये एक कार्टून आप देख रहे होंगे, सेरेना विलियम्स के ऊपर एक कार्टून बनाया था, अमूल ट्रेंडिंग कार्टून बनाता है। अमूल जो गुजरात की एक कंपनी है, भारत में नंबर वन कंपनी है दूध की, बटर की, और ये एक कार्टून बनाता है हमेशा किसी ना किसी ट्रेंडिंग टॉपिक पे। तो अमूल कंपनी का एक कार्टून आया था जिसका नाम उन्होंने रखा अनसरीन। ये कार्टून उन्होंने सेरेना विलियम्स की यूएस ओपन कंट्रोवर्सी पर बनाया, इस पर सोशल मीडिया में ट्रोल किया गया, कुछ ने इसका प्रोस में किया रिजल्ट, कुछ इसके कॉन्स में थे यानी कुछ इसके पक्ष में थे, कुछ इसके विपक्ष में थे। और इसमें लिखा था ओपन अस टुडे अनसरीन। आपको ध्यान होगा सेरेना विलियम्स ने एक नंबर के लिए एम्पायर को कहा था कि आपने मेरा एक नंबर चुरा लिया है और ये मैच हार गई थी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, हरिकेन फ्लोरेंस नाम का तूफान अमेरिका में साउथ कैरोलिना में पहुंचने वाला है और ये बृहस्पतिवार यानी परसों तक शायद वहां पर पहुंच जाएगा। और हम आपको सारी की सारी अपडेट देते रहते हैं जो भी न्यूज आती है तेजी से। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष
राहुल गांधी और उनकी मदर सोनिया गांधी के अगेंस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के केस को रीओपन रीअसेसमेंट करने के लिए दिया है। ये फाइनेंशियल 11-12 का केस है नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर का और ये करारा झटका है कांग्रेस लीडर्स को। सितंबर 11, जैसा कि आपको पता है आज की डेट, आज से ठीक 17 साल पहले ट्यूसडे को सितंबर 11, 2011 में दो पैसेंजर प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा दिया गया था। ये दोनों ट्रेड सेंटर थे न्यूयॉर्क में और ये तुरंत धराशायी हो गए थे। सुबह की ये घटना थी, लाइव टीवी पे दिखाया जा रहा था और इसमें 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। न्यूयॉर्क जो है अमेरिका की फाइनेंशियल कैपिटल मानी जाती है, तो इसकी एक एनिवर्सरी मनाई गई है अभी 11 सितंबर 2018 को 17वीं एनिवर्सरी मनाई गई है और श्रद्धांजलि दी गई है उन लोगों को। और इस प्लेन में 43 लोग भी मारे गए थे और इसे ग्राउंड जीरो अब नाम दे दिया गया है। और बूझो तो जाने का आज का प्रश्न जो आपको लिख भेजना है कमेंट बॉक्स में, और ये है नेपाल, भारत के यहाँ पे नेपाल है, उसके ऊपर चाइना, भूटान, बांग्लादेश आप देख रहे होंगे, बर्मा आप देख रहे होंगे। आपको बताना है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का नाम, प्रेसिडेंट का नाम, कैपिटल का नाम और करेंसी का नाम, और जल्दी से लिख भेजिए इन्हें कमेंट बॉक्स में ताकि हम आपको जल्दी से जल्दी आपका नाम अगली वीडियो में डाल पाए। विशाल कुमार सिंह ने सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखा था नाइस वीडियो, थैंक यू वेरी मच विशाल कि आपने लिखा, और आप जल्दी से जल्दी अपने कमेंट लिखें आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और इनका आंसर भी लिखने की कोशिश करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिंपली सर्च बॉक्स में यूट्यूब के आप A2Z करियर्स, ए से लेके जेड तक आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे स्मार्ट ट्रिक्स मिलेंगी, मेमोरी टेक्निक्स मिलेंगे, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दें, बेल वाला आइकन जरूर दबा दें ताकि जैसे ही हमारी करंट वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको मिल जाए। और प्लेलिस्ट में जाके आप हमारी वीडियो को चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके की नई से नई टेक्निक मिलेंगी जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। उसमें हमने मेमोरी टेक्निक का एक कॉलम भी दिया है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को A2Z करियर स्मार्ट ट्रिक्स मेमोरी टेक्निक्स। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ एंड वन डे यू विल गेट गवर्नमेंट जॉब श्योरली। लेट बी प्रिपेयर विद अस, हमारे साथ तैयारी कीजिए SSC, बैंक, रेलवे, CTET, NET, UGC, दिल्ली पुलिस, UP पुलिस, CTET, TET, इन सभी एग्जाम की तैयारी का मौका आपको मिलता है केवल और केवल A2Z करियर चैनल पर। और इसमें हमने एक मोटिवेशनल सेक्शन भी दिया है, उसकी एक वीडियो मैंने डाली थी अपने मन को काबू में कैसे पाए, तो उस वीडियो को जरूर देख लें और अच्छी लगे तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, बाय।